रही बात है, उसने क्या बोला है, चिक्कू होने पर चैन मिली है, माता जी की कसम खाऊं, तन्नु की कसम खा रही हूं मैं, मेरे को कुछ नहीं मिला, फिर भी इसने कितना बड़ा झूठ बोला, ये सपना को चैन दी है। और ये चैन दिख रही आपको, ये मेरी कमाई की चैन नहीं है, कमाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक और पोल खोलने जा रही हूँ, वो है अरमान मलिक और सपना मलिक की लड़ाई। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी अभी अरमान मलिक जी के घर पे दो दो खुशियाँ आई हैं, तो ऐसे मौके पर उनकी बहन सपना उनके घर आई थी। ये तो हम सब ने देखा है गाइस कि सपना जी ने पायल और गोलू का जब वो डिलीवरी के बाद जस्ट घर आई थी कितना अच्छे से ख्याल रखा। पायल और कृतिका का ख्याल तो रखा ही रखा, साथ में उनके बच्चों का भी इतना ध्यान दिया। इनफैक्ट जब पायल की तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तभी भी सपना उनके साथ हॉस्पिटल में उनके साथ रुकी रही। दरअसल बात ये है गाइस, अरमान मलिक ने अभी अभी अपने बहन सपना को कुछ शगुन के तौर पर गिफ्ट्स भेजे, बट पब्लिक उन गिफ्ट्स को देखकर अरमान मलिक के ऊपर भड़क गई। दरअसल पब्लिक इस बात पे भड़क गई कि अरमान जी जो कि इतने अमीर हैं, उन्होंने अपनी बहन को सिर्फ कुछ कपड़े जिसमें सूट और साड़ियाँ थी वो गिफ्ट में दिया। बल्कि लोगों को कहना है कि अरमान मलिक जो खुद इतने पैसे वाले, कम से कम उन्हें शगुन के तौर पे एक सोने का गिफ्ट देना चाहिए था। यहाँ तक कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि सपना जिस टाइम चंडीगढ़ में थी और चंडीगढ़ से वापस जब वो अपने घर आई, तो उसी बीच उनका चैनल भी उनसे ले लिया गया। अब पता नहीं गाइज ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है। फिलहाल गिफ्ट के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी अगर प्यार से कोई गिफ्ट दे दे तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे सपना जी की बातों से तो यही लगता है कि वो अपने गिफ्ट से बिल्कुल खुश नहीं है। आपके सामने है जो भी दिए बोला आपके सूट है, मैं सारे मन दिखा दिया, और जो मैं साड़ी फेंक रही थी उनकी जो मैं खोल के हालत दिखा दूँ, तो आप लोगों को दीदी आप तो ये पहन इतने गंदे दाग, उन पर इतनी बुरी हालत, मैं सच्चाई बोलना चाहती जिस तरह